गाइस, इस लेक्चर में हम सेशन और कुकीज़ को देखेंगे कि एक्सप्रेस के अंदर कुकीज़ क्या होती हैं और सेशंस क्या होते हैं। तो उसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो वो एग्जांपल जो है वो ये है कि अगर शॉपिंग कार्ट फॉर एग्जांपल हमें ऐड करना है तो वो क्या होगा। फॉर एग्जांपल शॉपिंग कार्ट क्या चीज़ है कि आपके कुछ प्रोडक्ट्स हैं, एक नई प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं हम इसके अंदर, और वो नई प्रोडक्ट जो है फॉर एग्जांपल वो जीन्स है और उसकी प्राइस है 200 फॉर एग्जांपल आ रही है। तो शॉपिंग कार्ट ये होता है कि कार्ट का एक बटन होता है ऐड टू कार्ट का, और अगर यूज़र उसके ऊपर क्लिक करे तो वो प्रोडक्ट उसकी शॉपिंग कार्ट के अंदर आ जाता है। तो इसके अंदर व्यूज़ के अंदर हमारे पास जो लेआउट है, लेआउट के अंदर हमने नेविगेशन अलग से रखी थी। इंक्लूड जो है वो मैं उस वक्त एक्सप्लेन करना नहीं, मैंने सही से एक्सप्लेन नहीं किया था। इंक्लूड का मतलब ये है कि ये जो फाइल है पग की, इस पाग की फाइल के अंदर जो कुछ भी है वो यहाँ पे आपके पास इस जगह पे ऐड हो जाएगा आके। तो ये कंपोजिशन समझ लें इसको आप, एक्चुअली कंपोजिशन नहीं है, बस इंजेक्ट हो रही हैं चीज़ें वहाँ से। तो नेव बार है, नेव बार के अंदर फॉर एग्जांपल मैं एक और बटन ऐड कर लेता हूँ और उसका होगा माई कार्ट का, शॉपिंग कार्ट। प्रोडक्ट्स क्या हैं तो हम इसको दूसरे के अंदर रख लेते हैं। ओके, माय शॉपिंग कार्ट, इसको सेव करवा लेते हैं, इसको रे कर लेते हैं, और ये आ गया आपका शॉपिंग कार्ट आ गया। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो अभी कुछ नहीं है मेरे पास। इसका मतलब ये कि राउट मुझे लिखना पड़ेगा। राउट हम कहाँ लिख सकते हैं, प्रोडक्ट्स के अंदर भी लिखा जा सकता है, लेकिन हम इंडेक्स डॉट जे एस के अंदर लिख लेते हैं। ओके, तो राउटर डॉट, इसको टाइप करने की जगह पे मैं प्रेफर करता हूँ कि हम ज़रा ये आ जाएगा। तो मैं कार्ट को रेंडर कर रहा हूँ यहाँ पे। कार्ट की के अंदर अभी मैं कुछ भी सेंड नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो कार्ट के लिए इंडेक्स डॉट जे एस है, इसको मैं रीनेम कॉपी करके रीनेम करके कार्ट कर देते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा माई शॉपिंग कार्ट। ओके, इसको सेव करवा लेते हैं और इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपका आ गया आपका माई शॉपिंग कार्ट। तो यहाँ पे एक्चुअली प्रोडक्ट्स में से किसी प्रोडक्ट के ऊपर एक बटन होना चाहिए। ओके, तो वो बटन भी हम ऐड कर लेते हैं। सॉरी, वो आएगा प्रोडक्ट्स के अंदर, हमने लिस्ट के अंदर ये एड अप की हुई है चीज़ें, तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल मेथड आ जाएगा ये, और प्रोडक्ट्स के अंदर एडिट के साथ साथ मेरा कार्ट भी आ जाएगा। तो इसको मैं इन्फो कर देता हूँ और यहाँ पे हम लिख देते हैं एड टू कार्ट। ओके, तो ये प्रोडक्ट स्लैश कार्ट स्लैश प्रोडक्ट का आईडी है कि इस प्रोडक्ट को कार्ट के अंदर ऐड कर दो। ओके, इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं, ये ऐड टू कार्ट आ गया। इसके ऊपर अभी हम क्लिक करेंगे तो एक्चुअली यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं राउट्स के अंदर आ जाता हूँ। हमारे पास प्रोडक्ट्स के जो राउट्स हैं, हमने एडिट वाले के अंदर डिलीट वाले को उठा लेते हैं। गेट डिलीट वाले को कंट्रोल डी, इसको मैं कर देता हूँ, ये है मेरा कार्ट, आईडी मेरे पास आ गया। फाइंड बाई आईडी कर लेते हैं इसको। ओके, और इसको रिडायरेक्ट करवा लेते हैं। अभी मैं सिर्फ फाइंड कर रहा हूँ प्रोडक्ट को, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके मैं कह देता हूँ कि यार एड दिस प्रोडक्ट इन कार्ट। ओके, अभी एक्चुअली एडिंग नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, तो वो इसको अब हम रिफ्रेश करेंगे तो ये प्रोडक्ट जो है हमारी कार्ट के अंदर ऐड हो जाएगी। मेथड आ गया हमारा, ओके स्लैश प्रोडक्ट स्लैश कार्ट वाला आ गया, और ऐड दिस प्रोडक्ट इन कार्ट। ओके, तो ये वाला आपका आ गया ऐड दिस प्रोडक्ट इन टू कार्ट। ये प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट्स फेच होके आ रही हैं, ये कहाँ से आ रही हैं?
ये आ रही हैं, क्योंकि रिडायरेक्ट होने के बाद वापस वो गेट मेथड के साथ होम पेज के ऊपर चला जाता है, तो ये हम वहाँ सपोर्टर्स को रिफ्रेश कर रहे हैं। ओके आ गए। नाउ द थिंग इज, कार्ड इज समथिंग जो हम डेटाबेस में सेव नहीं करते, ये हम आपके सिस्टम के ऊपर सेव करवाते हैं। ओके, सिस्टम से मुराद ये है कि अगर आप इंस्पेक्ट के ऊपर कर जाएँ तो यहाँ पे हमारे पास एक एप्लीकेशन आता है। इस एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास सेशन, लोकल वेरिएबल्स हैं और कुकीज़ अगर आपको नज़र आ रही हैं। ओके, कुकी क्या चीज़ है? कुकी इज़ समथिंग जो कि आप आपने ब्राउज़र के ऊपर सेव करवाते हैं, आपके क्लाइंट के ब्राउज़र के ऊपर। एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यूज़ हैं, वेरिएबल्स हैं, उसकी वैल्यूज़ हैं। तो कुकीज़ के लिए एक पैकेज है जिसका नाम है कुकी डैश पार्सर, उसको रिक्वायर करके इस तरह से हमें वो एडजस्ट करवाना पड़ता है। फिर हमारे पास जो भी रिक्वेस्ट आएगी, उस रिक्वेस्ट के साथ आपका ब्राउज़र जो है वो इन कुकीज़ वेरिएबल्स को भी सबमिट करेगा। तो आपका जो एक्सप्रेस है वो क्या करेगा, अगर आपने ये सेटअप किया हुआ है तो वो आपके कुकीज़ रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ के अंदर उन वैल्यूज़ को एडजस्ट करवा देगा। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, कुकीज़ जो रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ आ रही हैं, अच्छा अब द थिंग इज, हमने चूंकि एक्सप्रेस यूज़ किया हुआ है जनरेटर, तो इसकी अगर आप ऐप डॉट जेसन के अंदर जाएं तो हमारे पास उसके अंदर कुकीज़ का जो पार्सर है एक्सप्रेस का, वो ऑलरेडी उसने एडअप किया हुआ है और उसको उसने ऐप डॉट यूज़ के अंदर यूज़ भी किया हुआ है। ओके, तो अब में हम क्या कर रहे हैं कि प्रोडक्ट्स डॉट जेसन जेएस के अंदर, तो ये आपकी कुकीज़ हैं, तो मे बी कुकीज़ हमारे पास ऑलरेडी एडजस्ट नहीं है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इफ नॉट रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट कार्ट। ओके, अगर कार्ट का वेरिएबल नहीं है तो रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट कार्ट इज इक्वल टू एरे। ओके, रिक्वेस्ट उसको एरे क्रिएट कर, अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम आ रहा है यूजर तो उसके पास कुकीज़ का ये वेरिएबल नहीं होगा। रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट कार्ट डॉट पुश, उसके अंदर प्रोडक्ट एक आ रही है हमारे पास, इस प्रोडक्ट को पुश करवा दें। ओके, ये आ गया, और उसके बाद उसको रिस्पॉन्स डॉट रेंडर जो है उसको रेंडर करवा दे जाके। ओके, सॉरी 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 सॉरी, मैं गलत राउट के अंदर चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, इसको सेव कर देंगे, कार्ट वाले के अंदर हमने ऐड करना था ये। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इफ रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट कार्ट, अगर ये एरे नहीं है, अनडिफाइंड है अगर, तो रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट कार्ट इज इक्वल टू दिस, एंड देन रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट कार्ट डॉट पुश, उसके अंदर पुश कर दे आपकी जो एक प्रोडक्ट फेच होके आई है। ओके, एंड देन रिडायरेक्ट करवा दे उसको। अभी हम देखेंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है, ऐड टू कार्ट करेंगे, हम रिफ्रेश करवाएंगे, तो हमारे पास जो कुकीज़ आ रही हैं वो ये आ रही हैं, कुछ ऑलरेडी हैं हमारे पास, हमारे पास कार्ट जो है वो नहीं आ रहा है यहाँ पे, इसको मैं देख के आपको बताता हूँ। ओके, कुकी इस तरह से सेट नहीं होगी, कुकी की वेरिएबल को हमें बकायदा रिस्पॉन्स को भेजना पड़ेगा, तो वो आएगा रिस्पॉन्स डॉट कुकी, कुकी नेम कार्ट, और यहाँ पे भी फिर कार्ट नहीं है तो फिर हमें लेट कार्ट इज इक्वल टू एरे, और अगर नहीं है तो फिर कार्ट को अगर एग्जिस्ट कर रही है कुकी इज नॉट कार्ट, तो फिर कार्ट के अंदर इज इक्वल टू
रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट कॉट, उसको फेच करें और फेच करके कॉट को पास कर दें। और यहाँ पे हमें उसको मैं कुकी वेरिएबल नेम दे रहे हैं कॉट, और कॉट के अंदर कॉट सेट कर दें। ओके, इसको सेव करवा लेते हैं। लेट्स सी कि हमारी कुकी सेट होके आ रही है या नहीं आ रही। ऐड टू कुकी, आपके शॉपिंग कार्ट आ गया यहाँ पे ये। ओके, तो ये कार्ट जो है आपका ऐड टू कार्ट कर देते हैं हम, ये आ गया आपका। ओके, तो ये वेरिएबल्स की वैल्यूज जो हैं वो उसने उसके अंदर सेव करवा दी हुई है कुकी। तो कंसोल डॉट लॉग करके हम देख लेते हैं कि हमारे पास इफ कार्ट, अगर कार्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर रिक्वेस्ट कुकीज डॉट कार्ट को कार्ट के अंदर फेंक दें। सॉरी, कार्ट के अंदर हमने अभी पुश नहीं किया था। कार्ट डॉट पुश प्रोडक्ट, ओके, उसको सेव करवा दें। तो इसको मैं अब सेव करवाएंगे। हमारे पास जो कार्ट है, कार्ट के अंदर हमारे पास कुकी जो है वो आ गई है, और उसने उसको फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के तौर पे रखा हुआ है। ओके, ये हमारा एक प्रोडक्ट कार्ट के अंदर आ गया। ओके, कार्ट के अंदर दूसरी प्रोडक्ट को भी रखा जा सकता है। कार्ट का मतलब ये है कि अब मेरी जो एरे है कार्ट वाली, ये अब कुकी के अंदर सेव होती जा रही है, रिस्पॉन्स डॉट कुकी के अंदर। नाउ द थिंग इज कि जब मैं इंडेक्स डॉट जे एस के अंदर यहाँ पे कार्ट को लेके आ रहा हूँ, शॉपिंग कार्ट को, तो वो कार्ट मैंने कहाँ से उठाना है? इंस्टेड कि वो डेटाबेस में से उठाऊँ, वो मैं उठाऊँगा लेट कार्ट इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट कार्ट। अगर कार्ट नहीं है यहाँ पे, इफ नॉट कार्ट, देन कार्ट इज इक्वल टू एरे, एम्प्टी एरे आएगी, और इसको मैं कार्ट पास कर देता हूँ। ओके, ये आपकी आ गई कार्ट। तो शॉपिंग कार्ट आपका जो है उसके लिए मैंने बाकायदा यहाँ पे एक पग लिया हुआ है, ईच टेबल, इसको टेबल फॉर्म में ले लेते हैं, टेबल डॉट टेबल टी हेड टी एच प्रोडक्ट नेम टी एच प्राइस, और टी हेड आ गया, और टी हेड के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टी बॉडी। टी बॉडी के बाद को मैं ले लेता हूँ ईच आइटम इन कार्ट, यहाँ पे आ जाएगा आपका टी आर, टेबल रो टी डी आ जाएगा, इक्वल टू आइटम डॉट नेम, टी डी इज इक्वल टू आइटम डॉट प्राइस, और यहाँ पे आ जाएगा आपका टी फुट, टी फुट टेबल फुटर, टी आर टी डी इज इक्वल टू, पहले टी डी के अंदर लिख देते हैं टोटल आपका कितना है। ओके, और यहाँ पे हम लिख देते हैं टी डी इज इक्वल टू टोटल प्राइस। ओके, अब इसको देखते हैं कि आपके पास कार्ट में क्या आ रहा है। माई शॉपिंग कार्ट, आपके कार्ट में दो चीज़ें आ रही, एक चीज़ आ रही सिर्फ कावासाकी को मैंने ऐड किया हुआ था, तो आपके कार्ट के अंदर सिर्फ कावासाकी आ रहा है। तो टोटल प्राइस जो है वो ये, अब मैं ये सारी चीज़ें मैं सेव कर रहा हूँ सेशन के अंदर, सॉरी कुकी के अंदर। ओके, तो टोटल प्राइस को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो यहीं पे अगर आपको जावास्क्रिप्ट भी फॉर एग्जाम्पल एम्बेड करनी हो, तो वो अगर आप इसके अंदर आए पाक के अंदर, बाकी अंदर आप जावास्क्रिप्ट पर कोड भी एम्बेड कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ माइनस वी ए आर टोटल इज इक्वल टू ज़ीरो, टोटल मेरा ज़ीरो है। अब ईच आइटम जिसके अंदर आता जाएगा इसको मैं करता हूँ माइनस
टोटल प्लस इक्वल टू आइटम डॉट प्राइस, और यहाँ पे मैं इक्वल टू टीडी के अंदर फेंक देता हूँ इक्वल टू टोटल। तो ये जो टोटल वेरिएबल है ये मेरे एक्चुअली जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल है जो इसके अंदर इम्बेड हो रहा है। पग क्या करेगा इस वेरिएबल को, माइनस का साइन का मतलब ये होगा कि ये नज़र नहीं आएगा, एवेल्यूएट नहीं होगी एक्सप्रेशन। टोटल वेरिएबल के अंदर वैल्यू जीरो आ जाएगी, फिर एक एक आइटम जितना आता जाएगा वो मैं उसके अंदर टोटल की प्राइस जो है वो आइटम की प्राइस ऐड होके आना शुरू हो जाएगी आपकी। तो आपकी जो प्राइसेस हैं वो आपकी आ गई, टोटल आपका आ गया 100। ओके जो के प्लस इक्वल टू ये है, इसको हम प्राइस को नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसको स्ट्रिंग ले रहा था, उसको हम नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेव करेंगे, अब आपका टोटल जो है वो आ गया 100 और कावासाकी आ गया 9। आप वापस प्रोडक्ट्स के ऊपर आए, प्रोडक्ट के ऊपर आके आप कावासाकी के साथ जीन्स को भी ऐड कर दें तो आपकी जो शॉपिंग कार्ट है वो उसके अंदर दो आइटम्स आ जाएंगे, जीन्स और ये, और आपका जो टोटल है वो ये हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी इंटीग्रेट कुकीज इन टू आवर सिस्टम। कुकीज से मुराद ये है कि आपका जो कुकीज हैं वो आपके वेरिएबल्स की जो वैल्यूज हैं वो आपकी एम्बेड होके आ रही हैं, एंड यू कैन सी देम इन इन दिस रिगार्ड। इस तरह से आके आप एक्चुअली देख सकते हैं कि कार्ट के अंदर वैल्यूज क्या आ रही हैं। इसी कार्ट को अगर मैं एग्जांपल एक न्यू इनकॉग्निटो मोड के अंदर खोल लेता हूँ, ये जो विंडो है इनकॉग्निटो मोड से मुराद ये है कि अब इसके अंदर कुकीज जो मेरा शॉपिंग कार्ट है वो एम्प्टी आएगा। क्यों? बिकॉज ये दिस ब्राउजर इंस्टेंस इज टोटली डिफरेंट। अगर आप इसको मोजिला के अंदर भी खोलेंगे तो वो आपको शॉपिंग कार्ट जो आएगा आपका वो एम्प्टी आएगा। तो कार्ट इज समथिंग जो हम ब्राउजर के ऊपर रखते हैं फॉरवर्ड, कि अगर फॉर एग्जांपल यूज़र आया, उसने अपने कुकीज़ के अंदर कुछ चीज़ें सेव की हुई हैं, इसको मैं अगर ब्राउज़र की विंडो को बंद भी कर दूं तो ये ब्राउज़र की विंडो है और उसको मैं दोबारा ओपन करूंगा तो ये यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल होंगी क्योंकि इस स्टेज पे मैंने ऐड किया हुआ है उन्हें। ओके रिमूव करना होगा तो उसके लिए एक नया राउट ऐड करना पड़ेगा, रिमूव का बटन होगा और वो शॉपिंग कार्ट में से कार्ट की एरे में से उस फाइंड करके इंडेक्स को उसको रिमूव करवा देगा। ओके तो शॉपिंग कार्ट का अगर आपने रिमूव करना है शॉपिंग कार्ट का, तो प्रोडक्ट्स और जेएस के अंदर जाएं, कार्ट के अंदर आईडी आ रहा है। ओके इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, कार्ट स्लैश रिमूव स्लैश आईडी, इसको मैं हमने ये वाला राउट ले लिया, फाइंड कर लिया। अब नाउ द थिंग इज आपके पास कार्ट जो आ रहा है वो कार्ट वेरिएबल ये यहाँ पे आ रहा है, इंस्टेड की अब आप पुश करें, अब आपको डिलीट करना है। ओके इंडेक्स फाइंड करना है, तो इंडेक्स फाइंड करने के लिए क्या होगा, प्रोडक्ट का आईडी आपके पास ऑलरेडी आ रहा है, ये वाली प्रोडक्ट आ गई आपकी। ओके इस की हमें ज़रूरत भी नहीं है, इसको रिक्वेस्ट के अंदर आईडी हमारे पास ऑलरेडी आ रहा है, तो प्रोडक्ट में हमने ऑलरेडी ऑलरेडी आईडी पुश किया हुआ है, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, हमें रिकॉर्ड को चाहिए ही नहीं यहाँ पे। ठीक है हम क्या करेंगे, कार्ट डॉट स्प्लाइस 0, यहाँ पे मुझे इंडेक्स चाहिए, किस इंडेक्स के ऊपर से मुझे वो करना है, तो कार्ट डॉट फाइंड इंडेक्स करो, सी जहाँ पे सी डॉट अंडरस्कोर आई डी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट आई डी, इक्वल होगा उस इंडेक्स के ऊपर जाके और वन एक आइटम वहां से रिमूव करवा दो। तो फाइंड इंडेक्स मेथड जो है वो जेएस फाइंड इंडेक्स मेथड जो है आपका वो ये आ गया। इस मेथड के जो पैरामीटर्स हैं वो देख लेते हैं जरा किस सीक्वेंस के अंदर है। सॉरी स्प्लाइस को देखेंगे, स्प्लाइस मेथड जो है आपका उसके जो इनपुट्स हैं वो आ रहे हैं। ओके पहला है आपका इंडेक्स, दूसरा है आपने कितने आइटम्स को रिमूव करवाना है, तो मैंने एक आइटम को रिमूव करवाना है और इंडेक्स में से यहाँ पे फाइंड करके दे रहा हूँ। तो कुकीज जो है वो मैं कार्ट की दोबारा से उसको
सेट करवा देता हूँ आके। नाउ ऑल आई हैव टू डू इज टू हिट दिस आइटम। ओके, तो अब यहाँ पे अब हमारे पास कार्ट के अंदर से कार्ट डॉट पग, यहाँ पे टी एच एक्शन, और टेबल रो के अंदर मैं आपको लगा देता हूँ टी डी। टी डी के अंदर आ जाएगा एक हाइपरलिंक, हाइपरलिंक के अंदर सॉरी ऐसे नहीं आएगा, उसको नई लाइन के अंदर ऐड करना पड़ेगा। हाइपरलिंक स्लैश प्रोडक्ट स्लैश कार्ट स्लैश रिमूव स्लैश आईडी, कार्ट स्लैश रिमूव स्लैश प्लस आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी। उस और इसकी जो मैं क्लास दूंगा, क्लास इज इक्वल टू, इसको हम बटन कर देते हैं, btn डैश डेंजर रिमूव आइटम। ओके, तो ये आ गया आपका शॉपिंग कार्ट। शॉपिंग कार्ट अगर आपका आ गया है तो उसको अगर हम एग्जांपल करें तो हमारे पास रिमूव आइटम आ गया कावासाकी। रिमूव आइटम करने के बाद हमने क्या करना है, क्योंकि वो कार्ट से ही आ रहा है तो रिडायरेक्ट करवा देना है हमने रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट स्लैश कार्ट को। ओके, दोबारा से कार्ट हमारे पास आ जाएगा। तो जीन्स को रिमूव करवाते हैं, चलें सॉरी जीन्स का जो इंडेक्स है वो जीन्स की जगह पर उसने दूसरा रिमूव किया है, जीरो थे इंडेक्स के ऊपर ले रहा है। पहले इंडेक्स आएगा, फाइन इंडेक्स जो है वो आ गया आपका ओ सॉरी इक्वल डबल इक्वल टू का साइन मैंने लगाना था, वो इक्वल टू का साइन आ गया था, तो वो डबल इक्वल टू का साइन तो वो ऑलरेडी इसको ट्रू कर देगा। तो ऑलरेडी शॉपिंग प्रोडक्ट्स के अंदर मैं दो चीज़ें पहले ऐड कर देता, दोनों चीज़ें ऐड कर देता, एक नई प्रोडक्ट भी ऐड कर लेते हैं, शर्ट फॉर एग्जांपल 100 इसकी प्राइस है। ओके, अब मैं शर्ट को ऐड कर रहा हूँ कार्ट में और जीन्स को ऐड कर रहा हूँ कार्ट में, फिर हम शॉपिंग कार्ट के ऊपर आ रहे हैं। हमारे पास शर्ट है और जीन्स है, तो मैं जीन्स को पहले रिमूव कर देता हूँ, जीन्स मेरी रिमूव हो गई टोटली आ गया, और फिर मैं शर्ट को रिमूव कर देता हूँ। तो ये हमारा शॉपिंग कार्ट आ गया। ओके, नाउ ऑथेंटिकेशन हमने कैसे हैंडल करनी है। ऑथेंटिकेशन इज समथिंग जिसमें यूज़र लॉगिन होके आएगा, और लॉगिन होने के बाद उस यूज़र अगर लॉग्ड इन है तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन उसके पास जो है वो हमारे पास आनी चाहिए इज समहाउ। ओके, द थिंग इज कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पास कोई जो वेरिएबल्स हैं वो इंस्टेड के यहाँ पे शो हों, जरा ये कार्ड शो हो रहा है, कार्ड अभी एम्प्टी है अगर फॉर एग्जांपल, तो अगर ये कार्ड का वेरिएबल्स की वैल्यूज जैसे यहाँ पे हमारे पास ऐड टू कार्ड कावासाकी ऐड टू कार्ड थी, तो ये कार्ड की वैल्यू जो है हमारे पास वो यहाँ पे नजर आ रही है, ये अंडरस्कोर आईडी है और ये उसकी वैल्यू एम्बेड होके आ रही है, तो यहाँ से यू कैन सी के कावासाकी भी आ रहा है यहाँ पे। तो यूजर का अगर क्रेडेंशियल्स अगर हम कुकी के अंदर रख लें तो वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। ओके, तो हम यूजर की जो ऑथेंटिकेशन है उसके अंदर यूजर को पहले ऑथेंटिकेट के लिए हम क्रिएट करेंगे फॉर एग्जांपल राउट्स, उसके राउट्स भी ऐड करेंगे। तो मैं इंडेक्स डॉट जे एस को उठाता हूँ और इसको मैं रीनेम करवा देता हूँ, और इसको मैं कह देता हूँ कि ये यूजर्स हैं, सॉरी यूजर्स डॉट जे एस उसने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। तो यूजर्स के ऊपर सबसे पहले हम एक गेट मेथड के साथ साइन अप करेंगे, साइन अप या रजिस्टर कर देते हैं इसको, और व्यूज के अंदर हम पहले हमने साइन अप करना है, व्यूज के अंदर हम एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं यूजर्स, और इसके अंदर आ जाएगा आपका इंडेक्स डॉट जेएस को मैं उठा के इधर फेंक देता हूँ ताकि मुझे लिखना ना पड़े, इसको रीनेम कर लेते हैं। रजिस्टर रजिस्टर डॉट पग आ गया आपका और साइन अप आ गया H1 इक्वल टू H1 है हमारा साइन अप।
द थिंग इज ये हमने राउट के अंदर ऐड किया है यूजर्स के अंदर, तो रजिस्टर को हमने कहा है कि रिस्पॉन्स डॉट सेंड, रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, और इसका नाम भी हमने रजिस्टर ही रखा हुआ है। तो ये है हमारा यूजर स्लैश रजिस्टर के ऊपर। ओके, तो अब हम देखते हैं कि यूजर रजिस्टर हो रहा है। सो प्रोडक्ट्स नहीं है, प्रोडक्ट्स को हम कट करेंगे, तो ये हमारा आ गया रजिस्टर का। यूजर रजिस्टर नहीं हो रहा, उसकी वजह ये है कि हमने यूजर्स जो ऐप डॉट जे एस है उसके अंदर जब यूजर्स का राउटर उसने ऐड किया था, यूजर्स राउटर, तो उसने उसके पीछे स्लैश यूजर्स लिखा हुआ था। ओके, तो इसको ख़त्म भी किया जा सकता है वैसे, अगर नहीं भी करना चाह रहे तो हम अच्छा नहीं, इसको ख़त्म कर लेते हैं यहाँ से। ओके, तो फिर ये स्लैश के ऊपर दोनों राउटर्स हैं, वो भी स्लैश के ऊपर काम कर रहा है, तो ये भी स्लैश के ऊपर काम कर रहा है, तो हमारे लिए प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि पहले वाला स्लैश पकड़ेंगे हम तो रजिस्टर के एग्जांपल लेंगे तो हमारे पास ये आएगा नो सच फाइल और डायरेक्टरी। अच्छा जी, यूजर्स के अंदर यूजर्स व्यूज के अंदर, यूजर्स के अंदर है रजिस्टर, रिस्पॉन्स डॉट रेंडर रजिस्टर। स्लैश व्यूज स्लैश यूजर स्लैश रजिस्टर डॉट बग, यूजर स्लैश रजिस्टर डॉट बग। ओके, इसका जो लेआउट है वो चूंकि बाहर वाले फोल्डर के ऊपर है, तो हमें डबल बैक स्लैश डबल डॉट स्लैश लगाना पड़ेगा, और इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो मेरा रजिस्टर का साइनअप का फॉर्म आ गया। ओके, साइनअप फॉर्म आ गया, फॉर्म एक ऑलरेडी हमने क्रिएट किया हुआ है, वो फॉर्म प्रोडक्ट्स के अंदर था एड का, तो इस फॉर्म को हम यहाँ से उठा लेते हैं और इसको हम रजिस्टर के अंदर ले आएंगे। लेकिन ये फॉर्म जो है वो स्लैश मेथड इसका पोस्ट है, और ये रजिस्टर को ही हम पोस्ट कर देते हैं। तो ये आ गया जी, आपका नेम की जगह पे हम ईमेल कर देते हैं। ओके, एडिशनल चीज़ें भी ली जा सकती हैं, नेम की जगह पे ईमेल है, और ईमेल के साथ साथ उसके बाद हम ले लेते हैं पासवर्ड, और प्राइस की जगह पे मैं लिख देता हूँ पासवर्ड, टाइप भी इसकी पासवर्ड है और इसका नेम भी पासवर्ड है, और ये सबमिट कर रहा है रजिस्टर मेथड को, और इनपुट है, और इसकी जो अगर हम वैल्यू एडजस्ट कर देते हैं रजिस्टर करके। ओके, तो ये फॉर्म आपका आ गया रजिस्टर का, इसमें ईमेल और पासवर्ड आप इससे ले रहे हो, और इसमें यूज़र का नाम भी लिया जा सकता है, तो यूज़र का नेम जो है वो अगर हम ले लें उससे, तो उसके लिए डुप्लीकेट कर लेते हैं। फॉर नेम, नेम है नेम, नेम यूज़र का ले लेते हैं उससे हम, ये यूज़र नेम नहीं है, यूज़र नेम की जगह पे हम ईमेल यूज़ कर लेते हैं, और इसकी जगह पे आ जाएगा आपका ईमेल, और ये भी आ जाएगा आपका ईमेल। तो तीन कंट्रोल्स हैं हमारे पास, नेम, ईमेल और पासवर्ड, और ये हम रजिस्टर करवा लेते हैं। तो अभी हम इसमें, मैं इसमें वैलिडेशन ऐड अप नहीं कर रहा, तो रजिस्टर प्रोसेस क्या होगा, जिस तरह हमने प्रोडक्ट्स का मॉडल क्रिएट किया हुआ है, प्रोडक्ट्स का डॉट जे एस का, प्रोडक्ट डॉट जे एस का, इसी तरह मैं क्रिएट कर लेता हूँ यूज़र का, यूजर डॉट जे एस, यूजर का नेम है और उसका ईमेल है और उसका है पासवर्ड आपका। अभी मैं फॉर्म वैलिडेशन इसके अंदर ऐड नहीं कर रहा, वैलिडेशन को हम देखेंगे एपीआई के अंदर, जब हम एपीआई कर रहे होंगे तो थिंग्स वुड बी सेम, वो वैलिडेशन यहाँ पे भी वैसे ही काम करेगी जैसे एपीआई के अंदर काम कर रही थी। तो ये मेरा जो मॉडल है वो मॉडल मैं ले लेता हूँ यूजर का। ओके, इसको मैं कर देता हूँ यूजर, यूजर स्कीमा है और ये यूजर मॉडल आ गया मेरा आपका। ओके, तो ये यूजर का मॉडल मैंने क्रिएट कर लिया, सेम उसी तरह जो प्रोडक्ट आ गया ऐप डॉट जे एस को बंद करेंगे, यूजर्स गेट की जगह पे पोस्ट का मेथड यूज करेंगे हम। ओके,
रजिस्टर करेंगे मॉडल, मैं यहाँ पे यूज़र का ले लेता हूँ, वेरिएबल यूज़र इज इक्वल टू रिक्वायर डबल डॉट स्लैश मॉडल स्लैश यूज़र, यूज़र का मॉडल आ गया। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या चीज़ है, लेट यूज़र इज इक्वल टू न्यू यूज़र रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ये एसिंक है ओके, और यू अवेट यूज़र डॉट सेव, यूज़र को सेव करवा दे और उसको वापस हमें रिडायरेक्ट करवा दे। स्लैश के ऊपर रेंडर की जगह पे हम करेंगे रिडायरेक्ट ओके। तो यूज़र का नेम, ईमेल और पासवर्ड आएगा, उसको हम यूज़र को सेव करवाने को कह देंगे, सेव करवा के हम उसे रिक्वेस्ट डॉट रिडायरेक्ट के ऊपर ले जाएंगे ओके। इसको मैं यहाँ पे यूज़र के लिए, यूज़र नेम है जी उस्मान और ईमेल है उस्मान डॉट अक्रम एट जी मेल डॉट कॉम और पासवर्ड है मेरा उस्मान, और इसको मैं करवा देता हूँ रजिस्टर। होम पेज के ऊपर आ गया, लेट्स सी कि हमारे डेटाबेस में यूज़र एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ यूज़र्स, और हमारा यूज़र पहला क्रिएट हो गया ऑलरेडी ओके। ये आ गया जी आपका यूज़र नेम। तो यहाँ पे अब मैं नैव बार पार्शियल्स के अंदर, मेरे नैव बार है, नैव बार के अंदर मैं एक हाइपरलिंक ऐड कर देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ रजिस्टर, और ये है आपका रजिस्टर का ओके। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं तो रजिस्टर आ गया ओके। द थिंग इज मैं अगेन साइन अप कर लूंगा तो वो फिर मेरा एक उसी ईमेल एड्रेस से एक नया यूज़र भी क्रिएट हो जाएगा। वो फॉर्म वैलिडेशंस हैं, वो हम एपीआई के अंदर उनको हैंडल करेंगे जाके, कि उसमें हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज ना जाएं, और पासवर्ड हमारे पास जिस तरह ये प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में डेटाबेस में सेव है, ये प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में सेव नहीं रहना चाहिए ओके। नाउ लॉग इन प्रोसेस की तरफ आते हैं हम, और लॉग इन प्रोसेस इसके बाद मैं यहाँ पे इसको मैं रजिस्टर की जगह पे कर देता हूँ लॉग इन ओके। लॉग इन आ गया आपका, और लॉग इन में यूजर्स के पास मेरा रजिस्टर है, रजिस्टर के साथ ही मेरा जो एक राउट होगा वो होगा लॉग इन का, और यूजर स्लैश लॉग इन वाला राउट को हम रेंडर करेंगे। यूजर्स के अगर रजिस्टर है तो मैं इसकी जगह पे इसको रीनेम कर लेता हूँ लॉग इन डॉट पग, साइन अप की जगह पे मैं कर देता हूँ कि लॉग इन। लॉग इन करते हुए हम नेम नहीं उससे लेंगे तो नेम को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, हम यूज़र से ले रहे हैं सिर्फ उसका ईमेल और पासवर्ड, और सबमिट भी मैं कर रहा हूँ लॉग इन को। तो पहले फॉर्म देख लेते हैं हम, फॉर्म जो रजिस्टर का ये है उसके साथ लॉग इन का भी आ गया। अगर यूज़र लॉग्ड इन है तो फिर रजिस्टर नहीं आएगा, और अगर यूज़र लॉग इन नहीं है तो फिर दोनों आएंगे ओके। तो ये नेम और ईमेल और पासवर्ड आ गया ओके। द थिंग इज के अब जो लॉग इन प्रोसेस है वो उसी को सबमिट होके आ रहा है ओके। प्रोडक्ट्स कैट के साथ अब मुझे जो प्रोडक्ट्स नहीं, इसमें मेरे पास यूजर्स का है यूजर्स डॉट जे एस, लॉग इन का जो कैट है उसके साथ मुझे लॉग इन का पोस्ट भी लिखना पड़ेगा, पोस्ट मेथड, क्योंकि इसको सबमिट होके आएगा लॉग इन। तो लेट यूजर इज इक्वल टू न्यू यूजर अवेट यूजर डॉट फाइंड, फाइंड करो, कंडीशन उसको दे देते हैं ईमेल जो है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल, और पासवर्ड जो है वो आएगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड ओके। अवेट करो,
इफ नॉट, अगर यूजर नहीं है आपके पास, ओके, देन रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट लॉग इन स्लैश लॉग इन, लॉग इन को रिडायरेक्ट कर दो। इसको यहाँ से हम रिटर्न भी करवा देते हैं, रिस्पॉन्स यहीं से रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। एल्स जो होगा, अगर हमारे पास यूजर आता है तो फिर उसको होम पेज के ऊपर ले जाओ। ओके, अब चेक कीजिएगा। अगर तो ईमेल और पासवर्ड डॉट फाइंड वन करेंगे हम, ये एसिंक करेंगे और फाइंड की जगह पे हम करेंगे फाइंड वन, सिंगल रिकॉर्ड लेके आए। ओके, अगर तो वो रिकॉर्ड मिलता है यूजर का तो हम रिडायरेक्ट करवा देंगे, अगर नहीं मिलता तो हम रिडायरेक्ट करवा देंगे उसी लॉगिन पेज को ही, और अगर मिलता है तो फिर हम होम पेज के ऊपर चले जाएंगे। ओके, तो लॉगिन में अभी कुछ भी डमी कर देता हूँ, रजिस्टर करेंगे तो वापस वही आ रहा है। ओके, अगर मैं उस्मान डॉट अक्रम एट जीमेल डॉट कॉम और पासवर्ड उस्मान सही देता हूँ, रिकॉर्ड आएगा मेरा तो मैं होम पेज के ऊपर जा रहा हूँ। बट स्टिल सिस्टम ने मुझे ऑथेंटिकेट नहीं किया है कि इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ पे जाएगी कि कौन सा यूज़र है और कौन सा नहीं है। उसके लिए जो हमने पैकेज यूज़ करना है वो है एक्सप्रेस डैश सेशन का। ओके, एक्सप्रेस डैश सेशन का, उसको इस तरह से हमने रिक्वायर करना है। आप पैकेज डॉट जेसन के अंदर आएँ, एक्सप्रेस डैश सेशन हमारे पास नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, सर्वर को स्टॉप करना पड़ेगा। एन पी एम आई एक्सप्रेस डैश सेशन, ओके, इसको हम यहाँ पे रिक्वायर करेंगे। रिक्वायर हम करेंगे ऐप डॉट जे एस के अंदर, ये मेरा सेशन आ गया एक्सप्रेस डैश सेशन। और रिक्वायर करने के बाद हमें ये लाइन ऐड करने पे, ये लाइंस जो हैं ये हमें ऐड करनी पड़ेंगी। ये लाइन हम ऐप के अंदर स्टैटिक के बाद जो है वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। दिस वुड बी सम सीक्रेट की जो इनिशियलाइज सेशन की वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ होगी। इसको हम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स कहते हैं, इनको वहाँ से वैल्यूज़ उठाएंगे, लेकिन इस स्टेज पे हमें इसको डमी कुछ भी लिख दें, डमी टेक्स्ट जो है होगा वो हमारा सीक्रेट हो जाएगा इसका। ये आपके सेशंस जो हैं उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन आ रही है। ओके, तो ये ऑलरेडी सेट जो है वो मैंने सेशन को सेट करवा दिया। ओके, सेशन क्या चीज़ है? अब ये हमारा आ गया आपका, ये रहा होम पेज, इंस्पेक्ट करते हैं हम नेटवर्क एप्लीकेशन, हमारे पास कुकीज आ रही हैं। ओके, तो अब ये है कि हमने सेशन जो होगा, इसका मतलब ये है कि हमने डेटा एक्चुअली सेव करना है सर्वर के ऊपर, लेकिन उसका सिर्फ एक कुकी, सेशन आईडी जो होगा वो जाएगा एज ए कुकी। तो कुकीज और सेशन में फ़र्क ये है कि जो डेटा है वो सेव होता है सेशन में सर्वर के ऊपर। तो हमने जो लॉगिन प्रोसेस किया हुआ है वो ऐप डॉट जे एस के अंदर हमने सेशन को सेट कर दिया हुआ है, तो वो ऑलरेडी सेशन हमारे पास अवेलेबल है। तो लॉगिन को जब हम चेक करेंगे तो जो आपका यूज़र, यहाँ पे हमारे पास यूज़र अवेलेबल है, तो हम रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूज़र इज़ इक्वल टू यूज़र करेंगे, यूज़र को मैं सेशन में सेव करवा देता हूँ, सॉरी रिक्वेस्ट में नहीं, इसको हम रिस्पॉन्स में करेंगे, रिस्पॉन्स सेट करेंगे रिस्पॉन्स डॉट सेशन डॉट यूजर इज इक्वल टू यूजर, और उसके बाद हम उसको रिडायरेक्ट करवा देंगे। ओके, तो अभी हम लॉगिन प्रोसेस को करके देखते हैं। अगर यूजर नहीं आ रहा हमारे पास तो लॉग आउट प्रोसेस को भी हम बाद में देखेंगे कि हमने लॉग आउट कैसे करना है फिर। तो अब हम आते हैं, चेक करेंगे पहले कि हमारा प्रोडक्ट्स के अंदर गेट मेथड के अंदर कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट
डॉट सेशन के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है। ओके, इसको हमने वो किया, पैकेज इंस्टॉल किया था सेशन के लिए, तो हम इसको npm स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो होम पेज आ गया हमारे पास, और हमारे पास आ गया प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स को हमने फेच किया है। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास सेशन के अंदर क्या आ रहा है। सेशन के अंदर हमारे पास ये वैल्यूज आ रही हैं जो कि ये पड़ी हुई हैं। ओके, तो ये सेशन की वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब हम लॉगिन करते हैं, सेशन लॉगिन। लॉगिन में मुझे बार बार चेक करने के लिए लिखना पड़ेगा, तो मैं इसकी वैल्यू ऑलरेडी एडजस्ट कर देता हूँ जाके। लॉगिन डॉट पग और इनपुट है, और इसकी वैल्यू जो है वो आ रही है आपकी उस्मान डॉट अक्रम एट gmail.com, और पासवर्ड की जो वैल्यू है वो आ रही है उस्मान। ये बस ऑलरेडी फिल होके आ गया फॉर्म। इसको मैं रजिस्टर करवा देता हूँ, लॉगिन करते हैं। लॉगिन किया तो आई थिंक एरर आ गया। एरर इज कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी यूजर ऑफ अनडिफाइंड, सेशन हमारे पास सेट नहीं आ रहा। ओके, यूजर्स लॉगिन, ये वो उसने कहा कि मेरे पास सेशन नहीं है अवेलेबल। ऐप डॉट जेएस, ऐप डॉट जेएस के अंदर आएंगे जो सेशन है। एक्चुअली मैंने उन राउट्स के ऊपर, क्योंकि पार्सल से ऊपर रखा हुआ है, इसको मैं उठा के सेशन एक्स, इसको मैं टॉप ऑफ द पेज ले जाता हूँ। ओके, इसको सर्वर रिस्टार्ट करते हैं, फिर लॉगिन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। फिर लॉगिन किया, अगेन एरर आ रहा है। एरर क्या है? यूजर ऑफ अनडिफाइंड, सॉरी, ये जो सेशन है वो रिस्पांस के पास नहीं होता, वो होता है रिक्वेस्ट के पास। ओके, उसको हम सेव करवाते हैं, लॉगिन चेक करें। अब हम सक्सेसफुली जो है वो लॉगिन कर चुके हैं आपके, और अब हम आते हैं प्रोडक्ट्स के पेज के अंदर, ताकि हमें पता चले कि हमारे पास सेशन में क्या वैल्यूज पड़ी हुई हैं। रिफ्रेश करके देखते हैं, तो हमारे पास सेशन में एक है पाथ एक्सपायर सेशन डॉट यूज़र, सेशन डॉट प्रोडक्ट्स के अंदर जाके हम रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूज़र सेट करवाते हैं कि सेशन में यूज़र की वैल्यू पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई। ओके, इसको रिफ्रेश करते हैं, अनडिफाइंड आ रहा है। ओके, एक्चुअली मैं सेशन के स्टोर को इनिशियलाइज नहीं करवा रहा था, ऐप डॉट जे एस के अंदर थोड़ी चेंजेस लेके आनी पड़ेंगी आपको। सेशन जब हम सेट करवा रहे हैं ऐप डॉट जे एस के अंदर, तो हमें सीक्रेट के साथ साथ कुकी की जो वैल्यू है वो मैक्स एज देनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी मैक्सिमम एज जो है सेशन को इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा। ओके, नाउ अगेन यूजर्स के अंदर मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ वही सेम डेटा ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। तो अब हम इसको लॉगिन करते हैं, लॉगिन स्पॉन डॉट अक्रम एट gmail.com, पासवर्ड वही है, सेव करेंगे हम। रिफ्रेश होके यहाँ पे आ गए, रिफ्रेश होके जब हम प्रोडक्ट्स वाले पेज के ऊपर आए हैं, तो वो मैंने चेंज कर दिया था कि हम होम पेज से प्रोडक्ट्स वाले पेज के ऊपर आ जाए, तो ये हमारे पास सेशन की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। लेकिन सेशन में हमारे पास पासवर्ड भी है, हमारे पास यूजर नेम भी है। लॉगिन होने का मतलब यह है कि अगर यूजर लॉग्ड इन है, तो फिर उसका उसके सेशन के अंदर यूजर की वैल्यू होगी, अदरवाइज उसके सेशन के अंदर यूजर की वैल्यू नहीं होगी। ओके, अब अगर आपको चेक करना हो नैव बार के अंदर, फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे मुझे ग्लोबली एक इंफॉर्मेशन चाहिए कि इस स्टेज के ऊपर ये राउट चूंकि हर जगह से आ रहा है, तो हमें अब यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि यूज़र इस वक्त लॉग्ड इन है या नहीं है लॉग्ड इन। ओके,
तो अगर लॉग्ड इन है या नहीं है उसकी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो हमें मिडल वेयर्स यूज़ करने पड़ेंगे। मिडल वेयर्स क्या होते हैं? मिडल वेयर्स को हम बाद में भी यूज़ करेंगे। न्यू फोल्डर बना लेता हूँ एक, मिडल वेयर्स। इसके अंदर एक मिडल वेयर हम ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल ऑथ, सेशन ऑथ का, सेशन ऑथ डॉट जेएस। अच्छा, मिडल वेयर क्या चीज़ है? मिडल वेयर इज जस्ट ए सिंपल फंक्शन, फंक्शन फॉर एग्जांपल सेशन ऑथ आ जाएगा आपका ये वाला। इसके तीन पैरामीटर्स हैं, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। ओके, इस ये मिडलवेयर क्या कर रहा है एक्चुअली? मैं इस मिडलवेयर के अंदर करना ये चाह रहा हूँ, सेट सेशन सेट वेरिएबल फॉर एवरी पग फाइल। इसके अंदर चेक करेंगे हम, सेट करेंगे यूजर को, रिस्पॉन्स डॉट लोकल्स डॉट यूजर, यूजर वेरिएबल सेट कर रहा हूँ मैं, रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूजर्स। ओके, एंड देन मैं नेक्स्ट को कॉल कर लेता हूँ। व्हाट इज दिस? ये एक्चुअली एक फंक्शन है, लाइन नंबर 4 को मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक फंक्शन है, इसके तीन पैरामीटर्स हैं, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट। अब आप इसको ये समझें कि ये इंटरसेप्टर है, इसको हमने यूज़ कहाँ पे करना है? यूज़ हमने करना है पग की फाइल के अंदर, फॉर एग्जांपल ऐप डॉट जे एस को खोलेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे मैं वेरिएबल सेशन ऑथ इज इक्वल टू रिक्वायर, अभी हमने जो मिडलवेयर क्रिएट किया हुआ है, डॉट स्लैश सॉरी डॉट स्लैश मिडलवेयर्स स्लैश सेशन ऑथ को। ये एक्चुअली एक्सप्रेस के जो मिडलवेयर्स हैं वो इंटरसेप्टर्स हैं, ये भी सारे इंटरसेप्टर्स ही एडअप होके आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ऐप डॉट यूज़ कर देता हूँ, उसको मैं सेशन ऑथ को तो इसको पास करवा देता हूँ। ओके, ये जो सेशन ऑथ है, ये जब ऐप डॉट जैसे इनिशियलाइज हो रहा होगा तो यहाँ पे पग सेट होके आ रहा है, पग सेट होने के बाद फौरन बाद मैं ये काम कर रहा हूँ कि सेशन ऑथ को यहाँ से उठा लेते हैं और इसके जहाँ पे हमने सेशन को ऐड किया था, सेशन ऊपर ऐड हुआ है हमारा, ठीक है, ये ठीक है, इस जगह पे ऐड होके आ जाएगा। इसका मतलब ये है, ये फंक्शन कॉल होगा फॉर एवरी राउट, फॉर ईच एंड एवरी राउट। और ये फंक्शन कुछ भी नहीं कर रहा, ये फंक्शन सिर्फ ये कर रहा है कि सेशन से यूजर की वैल्यू उठा रहा है और रिस्पॉन्स डॉट लोकल्स डॉट यूजर के पास वो वैल्यू एडजस्ट कर देता है, सेट कर देता है। ओके, इसका मतलब ये है कि ये जो यूजर का वेरिएबल है, ये मेरे पास पग की हर फाइल के अंदर अवेलेबल होगा। अगर तो यूजर लॉग इन है तो ये वेरिएबल होगा, अगर यूजर लॉग इन नहीं है तो ये वेरिएबल वहां पे एक्सेसिबल वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सेशन में मैं यूजर की वैल्यू को इंफॉर्मेशन के तौर पे रख रहा हूँ। अब हम आते हैं नैव बार के ऊपर, नैव बार खोलना पड़ेगा मुझे, व्यूज पार्शियल्स नैव बार डॉट पग। यहाँ पे मैं कंडीशनल रेंडरिंग करना चाह रहा हूँ लॉग आउट के बटन की, फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो लॉगआउट का जो बटन है, कंडीशनल रेंडरिंग का कैसे करेंगे? इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आ जाएं, फिल्टर्स नो फिल्टर्स, इसमें केस कोड, कोड आ गया आपका, कमेंट्स, कंडीशनल्स। ओके, कंडीशनल्स के अंदर हम चेक करेंगे कि हैशटैग यूजर, इफ
यूजर एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर रेंडर करे, अदरवाइज रेंडर ना करे. ओके, इफ यूजर, अगर यूजर है, वैल्यू सेट है, तो फिर यहाँ पे लॉग आउट का लिंक होना चाहिए, अगर यूजर सेट है तो. अब यूजर हमारा लॉग इन है, यहाँ पे लॉग आउट का बटन जो है वो आना चाहिए. सर्वर पे कोई एरर है, एरर को रीड करेंगे, एरर क्या आ रहा है हमारे पास, एरर आ रहा है सर्वर हमारा रिस्टार्ट हुआ, सर्वर पे एरर आ गया हमारा कोई. ऐप डॉट यूज रिक्वायर्स ए मिडलवेयर फंक्शन, फंक्शन डॉट यूज. मैं अपने मिडलवेयर से एक्सपोर्ट नहीं कर रहा. मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू सेशन ऑथ, इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो ही वहाँ पे हमारे पास इंपोर्ट होगा, वरना इंपोर्ट नहीं होगा. अनडिफाइंड आ रहा है हमारे पास यूज़र, तो इसको मैं यूज़र को रिफ्रेश कर दूंगा. तो अगर यूज़र लॉगिन है तो जो यूज़र वेरिएबल है वो मेरा नहीं आएगा. तो अभी यूज़र लॉगिन नहीं है तो उसको मैं लॉगिन कर देता हूँ. या अब जैसे ही यूज़र लॉगिन हुआ है मेरा, तो मेरा लॉग आउट का बटन आना शुरू हो गया. इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर फिर मुझे इन दोनों बटन्स को रिमूव करवा देना है, रजिस्टर और लॉग इन को. तो उसको अगर आपको रिमूव करवाना है तो हमारे पास इफ एल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है. नेव बार कहाँ है मेरा, ओ नेव बार बार ये आ गया. इफ यूजर, इसको मैं टैब प्रेस कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ नॉट यूजर. अगर यूजर नहीं है तो फिर ये दोनों बटन शो करे, अदरवाइज वो इसको शो कर लेगा. ओके, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ. ओके गाइस, अब लॉगआउट के बटन के ऊपर एक्चुअली कोई राउट नहीं है हमारे पास, तो लॉगआउट का बटन भी हमें लिखना पड़ेगा. यूजर्स लॉगआउट का बटन, यू गैस बहुत सिंपल होना चाहिए. गेट मेथड के साथ ही हम इसको लिख लेते हैं, लॉगआउट रिस्पॉन्स डॉट रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूजर को हम नल कर देते हैं यहाँ से. लॉग आउट के ऊपर यूजर हमारे पास नहीं है, यूजर इज इक्वल टू नल. ओके, एंड देन रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट हम कर देते हैं लॉग इन के पेज को. ओके, तो लॉग आउट के ऊपर सेशन मेरा आउट हो जाएगा और वैल्यू नल हो जाएगी, और फिर मैं आपके आपको लॉग इन के ऊपर हम रिडायरेक्ट कर जाएंगे. तो लॉग आउट का बटन मैं प्रेस करता हूँ. ओके, सेशन हमारा उड़ गया, रजिस्टर और लॉग इन के ऊपर हम आ गए. लॉग इन के ऊपर हम आएंगे तो दोबारा लॉग इन करेंगे तो फिर हम लॉग आउट लॉग इन हो चुके होंगे. लॉग इन होंगे तो हम इस स्टेज पे आ जाएंगे. लॉग आउट क्रेडेंशियल्स में गलत दे देता हूँ, रजिस्टर तो हम फिर लॉग इन के ऊपर हैं, फिर रजिस्टर कह रहे हैं तो हम फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे. नाउ व्हाट इफ कि मैं यहाँ पे ऐड न्यू प्रोडक्ट को सिर्फ ऑथेंटिकेटेड यूजर्स के लिए एक्सेसिबल करवाना चाह रहा हूँ. ओके, तो अगेन मिडलवेयर, अगर आपके पास सेशन ऑथ है तो इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ चेक सेशन ऑथ ऑथेंटिकेशन. ओके, तो मिडलवेयर कर लेते हैं. ओके, अच्छा अब मैं चेक कर रहा हूँ कि इस, अच्छा ये सेशन क्या करेगा, नेक्स्ट से मुराद होती है कि हम अगले मिडलवेयर को कॉल कर रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे हम सिंपल एक चेक करेंगे कि अगर तो यूजर एग्जिस्ट कर रहा है सेशन के अंदर, ठीक है, तो नेक्स्ट को कॉल करते हैं. एल्स रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट, एल्स रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट, और उसको हम करेंगे कि लॉग इन पेज के ऊपर चला जाए. अब ये जो मिडलवेयर है ये इंटरसेप्ट करेगा आपके राउट को और देखेगा कि अच्छा
ये यूजर अगर लॉगिन है तो ठीक है, फिर आगे चला जाए, अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो फिर वो इसको रिटर्न नेक्स्ट करना पड़ेगा, रिटर्न नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट को कॉल करना पड़ेगा। अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो फिर वो रिडायरेक्ट करवा देगा उसको। ओके तो ये जो चेक सेशन हुआ था, अब मैं प्रोडक्ट्स के ऊपर आता हूँ। मेरा प्रोडक्ट्स डॉट जे एस का राउट है, प्रोडक्ट्स डॉट जे एस के अंदर ऐड है, यहाँ पे मैं वो चेक लगाना चाह रहा हूँ जो मैंने उस मिडल वेयर के अंदर लगाया हुआ था। तो उस मिडल वेयर को यहाँ पे हम रिक्वायर करेंगे, वी आर चेक सेशन ऑथ इज इक्वल टू रिक्वायर मिडल वेयर्स के अंदर से, दो मिडल वेयर्स अब मैं बना चुका हूँ, ये वाला आ गया। जस्ट आपने करना सिर्फ ये है कि चेक सेशन ऑथ को आपने ऐड के राउट के अंदर यहाँ पे एज ए सेकंड पैरामीटर दे देना। तो जब इस राउट के पास आएंगे तो हम पहले मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स जो है वो हमारा गलत हो गया, उसको हम यहाँ से सेव कर देंगे। ओके तो होगा क्या कि जब हमारे पास जो राउट अगर आ रहा है प्रोडक्ट्स का ऐड का, तो इस ऐड को फंक्शन को कॉल करने से पहले वो इस सेशन के पास जाएगा। इसके अंदर मैंने चेक लगाया हुआ है कि अगर सेशन में मेरा यूजर एग्जिस्ट कर रहा है तभी नेक्स्ट पेज आना है, अदरवाइज जो है वो यहीं से रिडायरेक्ट करवा दें। ओके तो अब हम चेक करते हैं कि हमारा ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, रिफ्रेश करेंगे, यूजर लॉग इन नहीं है, इसको लॉग इन करेंगे, हम प्रोडक्ट्स के ऊपर जाएंगे, ऐड न्यू प्रोडक्ट के ऊपर आएंगे। अब देखें हम लॉग इन हैं तो हम ऐड कर पा रहे हैं, अदरवाइज अगर मैं इसको लॉग आउट कर दूंगा, लॉग आउट के ऊपर प्रोडक्ट्स के ऊपर जा रहे हैं, अब मैं इसको ऐड न्यू प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो फिर मुझे लॉग इन के पेज के ऊपर ले जाएगा। ओके लॉग इन के पेज के ऊपर से फिर मैं इसको रजिस्टर करूंगा तो फिर मुझे वापस लेके आ रहा है। नो वट इफ आई वॉन्ट कि मैं लॉग आउट, इसको लॉग आउट हूँ, अब मैं ऐड न्यू प्रोडक्ट्स के ऊपर जाता हूँ और ऐड न्यू प्रोडक्ट के ऊपर जाता हूँ, अब मुझे यहाँ से लॉग इन होने के बाद वापस ऐड न्यू प्रोडक्ट के ऊपर आना चाहिए। ओके तो मैं रिडायरेक्ट को मैं यहाँ पे कर देता हूँ बैक, रिडायरेक्ट को बैक कर दो। ओके ऐड न्यू प्रोडक्ट मुझे, सॉरी 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 सॉरी, इसको मैं लॉग इन पेज के ऊपर ही लेके जा रहा हूँ। जो मेरा लॉग इन का पेज है, लॉग इन यूजर्स का, जो ये यहाँ पे रिडायरेक्ट बैक नहीं आएगा, यूजर्स के अंदर लॉग इन के अंदर रिस्पॉन्स डॉट, जब सक्सेसफुली मेरा लॉग इन हो जाएगा तो फिर मैं बैक के ऊपर जाना चाह रहा हूँ कि मैं जिस पेज के ऊपर था उसी पेज के ऊपर वापस चला जाऊँ। ओके तो मैं ऐड न्यू प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये वाला प्रोडक्ट मुझे लॉगिन के पेज के ऊपर ले गया, लॉगिन होने के बाद मैं वापस, ओ सॉरी बैक पे, फिर वो वही चीज़ है तो मैं इसको स्लैश प्रोडक्ट ही ले जाता हूँ लॉगिन करने के बाद। सॉरी लॉग आउट, लॉगिन के ऊपर ये रजिस्टर लिखा हुआ है, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ तो लॉगिन डॉट पग इसके ऊपर रजिस्टर की जगह पे लॉगिन आ गया। ओके जी तो आपका ये लॉगिन मेरा कंप्लीट हो गया, लॉग आउट मेरी प्रोडक्ट्स आ गई, प्रोडक्ट्स के ऊपर मेरा प्रोडक्ट्स मेरी डिलीट हो रही हैं, प्रोडक्ट्स मेरी ऐड हो रही हैं, प्रोडक्ट्स मेरी ऐड टू कार्ट जा रही हैं। माई शॉपिंग कार्ट के अंदर आए तो शॉपिंग कार्ट आ गया, दो आइटम्स हैं हमारे पास, इन दोनों आइटम्स को हम यहाँ से रिमूव करवा सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट्स के ऊपर जाके हम शर्ट को दोबारा ऐड कर लेते हैं, शॉपिंग कार्ट के ऊपर आएंगे, दोनों प्राइसेस ऐड अप होके मेरी 200 आ गई। तो बाकी आपकी अपनी इम्प्लीमेंटेशन है कि आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जस्ट टू रिकैप, आज के लेक्चर के अंदर हमने सेशन हैंडलिंग किया है, कुकी हैंडलिंग किया है, शॉपिंग कार्ट को इम्प्लीमेंट किया है, ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन को हैंडल किया है। अभी हमारी कुछ चीज़ें रहती हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एपीआई बेस्ड ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन और एपीआईस को बिल्ड करना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। वेरी मच होप फॉर, रिकैप करते हैं जो आपकी कुकीज़ हैं, अगर हम इसके ऊपर जाएं, इंस्पेक्ट के ऊपर जाएं, तो आप क्या एप्लीकेशन के ऊपर जाएं तो जो आपकी कुकीज़ हैं वो एक्चुअली नज़र आ रही हैं आपको। ओके ये आपकी कुकीज़ के अंदर एक्चुअली आपकी
कार्ट जो है वो आपका नजर आ रहा है, उसके अंदर वैल्यूज नजर आ रही हैं, तो शॉप वो वाली चीजें जो हम पब्लिकली एक्सेसिबल करवाना चाह रहे हैं वो हम कुकीज के अंदर रखते हैं। ओके, सेशन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे नहीं है, वो हम सर्वर के ऊपर रखते हैं। ओके, तो आपकी जो कुकीज हैं उनके अंदर एक्सप्रेस ने ये जो डमी वेरिएबल्स क्रिएट किए हुए हैं, इन डमी वेरिएबल्स में उसने उनका आईडी सिर्फ रखा हुआ है, और एक्चुअली जो सेशन के अंदर वैल्यूज, देखिए मैंने सेशन में पासवर्ड भी रख लिया था, तो सेशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ और सिर्फ जा रही है आपकी उसके अंदर कुकीज के अंदर, सॉरी सर्वर के ऊपर, और सिर्फ सेशन का आईडी जो है वो कुकी के अंदर आएगा। तो अगर मैं अब चूंकि कुकीज बेस्ड होता है सेशन, तो इसको अगर मैं यहाँ पे लॉगिन भी हूँ और मैं इसको न्यू इनकॉग्निटो मोड के अंदर चला जाता हूँ, इसको मैं लॉगिन करता हूँ, तो कार्ड मेरा एम्प्टी आएगा और मैं लॉगिन भी नहीं होगा। ओके, तो लॉगिन चूंकि कुकी नहीं है तो फिर सेशन भी नहीं है, अगर कुकी है तो फिर आपका सेशन भी है, और सेशन की इन्फॉर्मेशन हम रखते हैं सर्वर के ऊपर। ओके, होपफुली गाइस आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इसको ट्राई करेंगे। मुझे भी बहुत सी चीज़ें देखना पड़ती हैं, भूल जाती हैं कि वेरिएबल्स कहाँ से एडजस्ट हो रहे थे, क्या हो रहा था, तो आप इसको ट्राई करें, कोड में आपको अभी ऑनलाइन सबमिट करवा देता हूँ।